कैसे हैं आप लोग, आई होप सभी ठीक होंगे। जिसके पास पेशेंस है सिर्फ वही इस वीडियो को देखना, बाकी अभी आप लोग जा सकते हैं। लेखपाल के रिजल्ट को लेकर तमाम सारी आप सभी लोगों को वीडियोस मिलती रहती हैं लगातार, कब तक रिजल्ट आएगा कब तक नहीं आएगा। यहाँ पर एक अच्छा काम हुआ है जो कि एसटीएफ के द्वारा किया गया है, ये पूरी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। अभी मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें दिखाने वाला हूँ कि क्या है इस पूरी लिस्ट के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह गोपन अनुभाग 2 संख्या R317, ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। और इसमें देखो दिनांक 3 अक्टूबर 2022 के माध्यम से प्राप्त एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा गिरफ्तार किए गए नकल माफियाओं के मोबाइल के डेटा विश्लेषण से प्राप्त परीक्षा केंद्रों की सूची, जिन पर राजस्व लेखपाल मतलब राजस्व लेखपाल जो आपकी अभी परीक्षा हुई थी उसके उसमें धांधली हुई है और उसका प्रमाण आपके सामने है। ठीक है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हुआ है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि लेखपाल का जो रिजल्ट है वो कब तक आप लोगों को देखने के लिए मिल पाएगा और यहाँ पर जो अभी जो कार्रवाई हुई है इसमें क्या क्या सारी चीजें की गई है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये पूरी जो सूची दी गई है इसमें क्रम संख्या दिया गया है, जनपद का नाम दिया गया है और यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम दिया गया है, दीवार का कारण भी बताया गया है, जिसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि राजस्व लेखपाल ये पहला कॉलेज है जो कि है शिक्षा निकेतन, जिसके कि प्रयागराज में ये कॉलेज था और काफी चर्चा में भी रहा था ये। उसके बाद ये सभी कॉलेज जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं इनके अंदर जितने भी कॉलेज हैं उनमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्व लेखपाल राजस्व लेखपाल राजस्व लेखपाल राजस्व लेखपाल सभी जितने भी कॉलेज हैं उनमें राजस्व लेखपाल के अंदर धांधली हुई है। देखो हर एक कॉलेज आप देख सकते हैं, प्रयागराज के सभी कॉलेज आपके सामने हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर भी राजस्व लेखपाल राजस्व लेखपाल। और ये जो पूरी पूरी जो सूची तैयार की गई है ये उन के बेस पर की गई है जो भी पकड़े गए हैं एसटीएफ के द्वारा, जितने भी ग्रुप पकड़े जाते हैं जितने भी लोग पकड़े गए उनके मोबाइल से सारा ये डेटा प्राप्त किया गया। और उसके बाद यहाँ पर इन सभी कॉलेजेस को लगभग यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 11 पेज की ये पूरी लिस्ट है और यहाँ पर लगभग 87 जो कॉलेज है उनको यहाँ उनको डिवार किया गया यानी कि उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब उसमें कोई भी जो है सेंटर नहीं आएगा, चाहे वो बोर्ड का सेंटर हो चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का सेंटर हो। यहाँ आप देख सकते हैं हर एक कोई भी सेंटर आप उठा के देख लो जिसमें राजस्व लेखपाल की अगर परीक्षा हुई है तो वहाँ पर धांधली जो है हुई और कार्ड जो है बताया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एसटीएफ जो अपना काम अच्छे से कर रही है और कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो अपना सुचारू रूप से बिल्कुल चल रही हैं। ये आप देख सकते हैं हर एक कॉलेज के अंदर, चाहे वो कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट हो कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट हो उसके कॉलेज में आप देख सकते हैं वाराणसी के ये सारे कॉलेजेस हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे कॉलेज आप यहाँ देख सकते हैं। वाराणसी ये पूरा कॉलेज भरा पड़ा है, गोरखपुर लखनऊ और तमाम सारे प्रयागराज के तो बहुत सारे कॉलेज यहाँ पर हैं जिनके अंदर लेखपाल की परीक्षा हुई है और उनमें हर एक कॉलेज के अंदर मोस्टली जो धांधली है वो यहाँ पर देखने के लिए मिली है। अब सीधी सीधी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अब हमारे जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है और जो लेखपाल का रिजल्ट है उसमें कहाँ पर बात पहुँची है, कहाँ तक जो है जो तैयारियां हैं वो करी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये हमने आपको लिस्ट पूरी दिखा दी है, इस लिस्ट को आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। क्या पता आपका जो सेंटर है वहाँ पर गया हो इस कॉलेज के अंदर, वो कॉलेज जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया गया हो तो आप भी जो है शक के जो घेरे में आ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको पता है कि भाई हमने नकल करी है और इन सभी अभ्यर्थियों को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर सभी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब रिजल्ट को लेकर अगर हम लोग बात करते हैं भाई रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट को लेकर अभी कोई भी चीज साफ नहीं की गई है। जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एसटीएफ की तरफ से यहां पर ये लिस्ट जो जारी की गई है आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और बाकी रिजल्ट को लेकर अभी टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं इंटरनल और उसके बाद यूपी SSSC और भी परीक्षाओं के रिजल्ट को देने में अभी जुटा हुआ है। जैसे कि आपकी पैट की परीक्षा हो गई, उसके बाद बहुत सारी पेंडिंग पहले की जो भर्तियां हैं उनके रिजल्ट को लेकर यहां पर लगे हुए हैं और हम लोग लगातार ट्विटर के ऊपर लगे हुए हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इसका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाए। अभी हमने ट्विटर कैंपेन भी किया था हम सभी लोगों ने मिलकर, तो वहां पर हमारा जो हैशटैग था वो ट्रेंडिंग पर था, आपको मैंने वीडियो के माध्यम से बताया भी था, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ट्विटर पे आप लोगों को जुड़ना है और हमसे भी जुड़ना है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना लीजिए ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े तो सभी लोग जो है एक साथ आ पाए, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। बाकी वीडियो के अंदर आप लोगों ने चेकआउट कर लिया होगा कि जितने भी कॉलेज है जितने भी सेंटर्स है सब में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। ठीक है, और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है, ये सभी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं और रिजल्ट आने की उम्मीद आपको क्या लग रही है, क्या इस साल आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।